नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं महर्षि दधीचि के बारे में। महर्षि दधीचि के पिता का नाम अथर्वा ऋषि था, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। दधीचि ऋषि को मनाही थी कि वह अश्विन कुमारों को किसी भी अवस्था में ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं दे। यह आदेश देवराज इंद्र का था। वह नहीं चाहते थे कि उनकी गद्दी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कोई खतरा बने। मगर जब अश्विन कुमारों ने प्रार्थना की तो दधीचि ऋषि सहर्ष मान गए। उन्होंने इन्हें उपदेश भी दे दिया। इस बात की सूचना इंद्रदेव को गुप्तचरों के माध्यम से पहुंच गई। इंद्रदेव खड़ग लेकर आए और महर्षि दधीचि का मस्तक उतार दिया। अश्विनी कुमार भी आराम से बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने घोड़े का सिर लगाकर दधीचि ऋषि को जीवित रख लिया। सफल भी हुए। उसी दिन से दधीचि ऋषि का एक और नाम अश्वशिरा पड़ गया। वह समय भी आया जब दधीचि ऋषि ने अपने मस्तक को काट देने वाले इंद्र को अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी प्रदान कर उनकी रक्षा की। महर्षि दधीचि ने देवराज इंद्र को अपने रीढ़ की हड्डी दे दी थी। मृत शरीर से बची हड्डियों से एक धनुष तैयार किया गया, जो भगवान शिव जी के काम आया। इसी धनुष का नाम पिनाक धनुष था। एक दिन अपने पद के मध्य में देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी को अपमानित कर दिया। वह देवराज की सभा को छोड़कर कहीं जा छिपे। जब नशा उतरा, इंद्र ने अपनी भूल स्वीकार कर गुरु बृहस्पति की तलाश शुरू कर दी। यज्ञ आदि का अनुष्ठान कराने वाला कोई नहीं रहा। जब गुरु नहीं मिले तो ब्रह्मा जी की सम्मति पाकर इंद्र ने फिलहाल त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया। विश्वरूप की माता असुर परिवार से थी, अतः इस नए पुरोहित का झुकाव असुरों की ओर भी रहा। कभी कभी उनको यज्ञ भाग भी पहुंचाते थे। देवराज इंद्र को पता चला। उन्होंने क्रोध में आकर अपने नए पुरोहित विश्वरूप का वध कर डाला। इससे उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। जैसे तैसे पुराने पुरोहित बृहस्पति को इंद्र ने मना लिया। उन्होंने यज्ञ करके ब्रह्म हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांटा और इंद्र को स्वर्ग का अधिकारी बना दिया। जब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि को पता चला तो उन्होंने अपने पराक्रम से वृतासुर को उत्पन्न किया। इसका काम था स्वर्ग लोक पर काबू पाना तथा इंद्र आदि देवताओं का वध करना। भयभीत इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से रास्ता पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी सहायता केवल दधीचि ऋषि ही कर सकते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी से बना वज्र ही वृतासुर का वध कर सकता है। इंद्रदेव तथा अन्य देवताओं ने दधीचि के आश्रम में जाकर उनको प्रसन्न कर उनसे उनके शरीर की रीढ़ की हड्डी मांग ली। वह तैयार हो गए। उन्हीं की इच्छा पर सभी तीर्थों को आश्रम में बुलवाया गया। महर्षि दधीचि ने स्नान आचमन किया, समाधि में बैठ गए। ब्रह्म हत्या न लगे इसलिए एक जंगली गाय बुलाकर उसे दधीचि के शरीर को अपनी कांटू भरी जीभ से चाटने को आदेश दिया। वह तब तक चाटती रही जब तक केवल हड्डियां रह गई। दधीचि ऋषि की रीढ़ की हड्डी से जो वज्र बना उसी से वृतासुर पर आक्रमण किया गया और उसे मारकर असुरों से स्वर्ग लोक को भय रहित कर दिया गया। संतों की यह सबसे बड़ी उदारता का उदाहरण है। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।